नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। साल 2021 बीत चुका है, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इस नए साल के मौके पर न सिर्फ बिहार के बल्कि पूरे देश के लोगों में नया उमंग और नया उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से पूरे देश में बढ़ रहा है, इसे लेकर एहतियात भी बरते जा रहे हैं, लेकिन लोगों में खुशी इस बात की है कि 2021 बीता और नए साल में कुछ नया होने वाला है। ऐसे में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार के लोगों से खास अपील करते हुए नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। आप नीतीश कुमार के इस ट्वीट को देखिए। नीतीश कुमार ने ट्वीट में लिखते हुए कहा है कि नव वर्ष 2022 की बधाई और शुभकामनाएं। आशा है कि वर्ष 2022 सुख, शांति, सद्भाव, समृद्धि और अनंत सफलताओं का वर्ष होगा। बिहार के गौरव को पुनर्जीवित करने के साथ साथ प्रदेश की विकास यात्रा में सहयात्री बनने का आह्वान करता हूं। तो कुछ खास तरीके से नीतीश कुमार ने इस बार, नीतीश कुमार का ये अंदाज जो है कुछ अलग सा है। बधाई तो हमेशा ही देते हैं नीतीश कुमार, चाहे कोई भी मौका हो, बिहार का त्योहार हो या पूरे देश में मनाया जाने वाला त्योहार हो या फिर नया साल ही हो, नीतीश कुमार अक्सर बिहार के लोगों को याद करते हैं ऐसे मौके पर। और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने सुबह सुबह ही लोगों को बधाई दी है, ट्वीट के माध्यम से लोगों से एक खास अपील की है। बोले हैं वो कि विकास की यात्रा में सहयात्री बनने के लिए आप सभी का आह्वान करता हूं। कुल मिलाकर उनके कहने का आशय ये हो सकता है कि बिहार में जो विकास की धारा बह रही है, जो विकास के पथ पर बिहार चल रहा है, उस पथ पर आप भी यात्री बने, यानी कि आप भी बिहार के विकास में आम नागरिक होने के नाते भी अपना सहयोग करें। यह सहयोग किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपने तेजस्वी यादव को भी इससे पहले सुना, सुबह सुबह ही तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को अपनी भाषा में शुभकामनाएं दी और नए तरीके, नए अंदाज में उन्होंने बिहार के लोगों से बधाई दी है, बिहार के लोगों को। अब ऐसे में नीतीश कुमार भी लोगों को बधाई देते नजर आ रहे हैं। नए साल की शुरुआत में ही लोगों का उत्साह भी काफी देखने को मिल रहा है। लाइव सिटीज पर आपने कल से ही कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोगों का उत्साह दिख रहा है, न सिर्फ पटना के बल्कि बिहार के तमाम जिलों से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसमें लोगों के बयान से यही लगता है कि लोग 2021 को विदा कर 2022 के आगमन की खुशी मना रहे हैं। 2022 की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला दिन है, आज 1 जनवरी जिसे हम लोग कहते हैं, बिहार में पहला दिन मनाया जा रहा है, पहली तारीख मनाई जा रही है साल 2022 की। और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को शुभकामनाएं तो दी ही हैं, साथ ही साथ एक आह्वान भी किया है, एक अपील भी की है, और ये अपील है बिहार के विकास यात्रा में सहयात्री बनने का। अब ऐसे में बिहार में नए उमंग और नए जोश के साथ विकास की कामना की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अब 2022 में वो तस्वीर दिखेगी जो 2021 में नहीं दिख पाई। बिहार में विकास को और रफ्तार मिलेगा और नए साल में लोगों को नई उम्मीद भी जगी है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। और जाते जाते लाइव सिटीज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।